जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी चार वेबसाइट्स की बात करेंगे जिनके बारे में एज अ डिवेलपर, एज अ कोडर आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि ये चार वेबसाइट्स आपकी लाइफ लाइन बन सकती हैं, चाहे आप इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो जब भी आप कोडिंग सीखते हैं तो साथ में आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजीज़ आपकी कोडिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। तो उन्हीं में से हमारे पास ये चार वेबसाइट्स हैं, आप इनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है stackoverflow.com। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपने कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ बग्स हैं, तो आप क्या करते हैं, उन एरर्स के बारे में क्वेश्चन जो होते हैं आप पोस्ट कर देते हैं इस वेबसाइट पर। तो वहाँ पर बहुत सारे कोडर्स होते हैं जो कि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं। इससे क्या होता है, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है गिटहब। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। अगर आप एक कोडर हैं तो आपका इसके ऊपर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले जाकर एक अकाउंट बनाते हैं और फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो हम इसे अपलोड कर देते हैं अपने इस गिटहब के ऊपर। अब ये काम किस तरह से करता है, सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ हमें उसमें कुछ चेंजमेंट करना पड़ता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चेंज पहले किया था, क्या चेंज बाद में किया था, हमें याद नहीं रहता। लेकिन जो गिटहब होता है वो क्या करता है, ट्रैक रखता है, मतलब आपने कौन सा चेंज किस डेट को किया था ये याद रखता है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप जाकर देख लेते हो, आपको पता होता है कि किस डेट पर मैंने क्या चेंज किया था। इसी तरह अगर आप इंटर्नशिप के लिए या प्लेसमेंट के लिए रेज्यूमे सेंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके गिटहब पे आपने जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है ना, उसका लिंक आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो जो सिलेक्टर होता है वो उस लिंक के थ्रू आपके गिटहब पे जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है उसे जाकर देख सकता है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी ग्रेब करने की जो आपके चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी जो वेबसाइट है वो स्पेशली वेब डेवलपर्स के लिए है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ना कुछ शेप्स दिखानी होती है। अब बजाय इसके कि हम CSS को यूज़ करके मुख्तलिफ कोड लिख के फिर एक शेप को क्रिएट करें, तो हमारे पास एक आसान तरीका होता है कि हम इस वेबसाइट पे जाएं। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रही होती हैं, तो इनमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे तो उसका कोड नीचे आपको मिल जाएगा। आप क्या करते हैं, वो कोड कॉपी करते हैं और जाके अपनी CSS की फाइल में पेस्ट कर देते हैं, तो आपको खुद से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो चाहे शेप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोड भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है, आप जाकर इसको एक्सप्लोर कीजिए। चौथे नंबर पे हमारी जो वेबसाइट है वो स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए है। अब डिज़ाइनर्स का काम क्या होता है, कलर्स के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि कौन से कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं और कौन से नहीं आते। तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है जो कि हमें कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। तो उस वेबसाइट का नाम है coolers.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं कलर्स के और उनके कोड भी मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप चाहे वेब डेवलपर हैं, चाहे वेब डिज़ाइनर हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको कलर्स कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये चार वेबसाइट्स हैं, आप इनको जाकर एक्सप्लोर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।